गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन आज हम लोग थीम में अर्थ प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे पेज नंबर ट्वेंटी वन इसमें क्या है ये है इंटरेस्टिंग प्लांट फैक्ट्स ये हम लोग कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी फैक्ट्स के बारे में कि वो लोग कैसे होते हैं क्या है तो देखिए पहला वाला क्या है अफ्रीकन एक्सिया रिलैक्स टॉक्स रिलीज टॉक्सिक गैस वैन हर्बी वोरस कम सिंगरट ये क्या करता है प्लांट ये क्या करता है ये जहरीला एक गैस छोड़ता है जब उसको शाकाहारी जानवर आते हैं खाने के लिए दूसरा क्या है स्ट्रेनोसेरस एरुका माइग्रेट्स अलोंग द डेजर्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है और ये बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है और ये रेगिस्तान में ही माइग्रेट करता है फिर क्या है केप सान्यू क्या है अकारिवोरस प्लांट विच रैप्स अराउंड रैप अराउंड इट्स एट्सप्रे ये क्या है कानीवोर्स प्लांट है कानीवर्स किसको बोलते हैं बच्चों जो मीट और फ्लैश खाते हैं उसको कानीवर्ड्स बोलते हैं वेरी कानीवर्ड्स प्लांट है ये क्या करता है जब कानीवोरस चीज़ें जब कोई भी शिकारी जैसे मक्खी हुआ या फिर कोई भी जानवर आता है इसके पास तो क्या करता है उसको पकड़ के लपेट लेता है और फिर उसको मार देता है ठीक है और फिर क्या है उसके बाद देखिए आइए दूसरे में नीचे में क्या है विक्टोरिया अमेजोनिका ठीक है ये इसका नाम है प्लांट का लार्ज वाटर लिली प्लांट एंड अ बेबी कैन ऑन इट ये इतना लंबा पत्ता है कि गोल सा पत्ता थाली जैसा है इसमें एक छोटा बच्चा भी बैठ सकता है फिर देखिए क्या है ये लिथोप्स प्रटेंस टू बी अ रॉक ये पौधा है लेकिन देखने में लगता है जैसे ये पत्थर है रॉक है उसके बाद क्या है वॉल्फिया एरिजा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट ये दुनिया का सबसे छोटा प्लांट है फिर जायन सिकोया बिगेस्ट लिविंग ट्री इन द वर्ल्ड ये सबसे लंबा पेड़ है इस दुनिया का उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एटी फाइव परसेंट ऑफ प्लांट लिविन फाउंड इन द ओशन एटी फाइव परसेंट ऑफ प्लांट क्या है ओशन में मिलता है ये है एलिफेंट ग्रास एलिफेंट ग्रास फाउंड इन अफ्रीका इज़ नेम्ड सो एज इट इज़ फोर पॉइंट फाइव मीटरज हाई ये घास को इसलिए एलिफेंट ग्रास बोला गया क्योंकि ये पाँच पॉइंट फाइव मीटर लंबा है और ये हाई एंड इवन एलिफेंट्स कैन इन इट और इसमें हाथी भी छुप सकते इतना लंबा ये घास है फिर क्या है बैम्बू बैम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट इन द वर्ल्ड बैम्बू एक ऐसा पौधा है एक ऐसा प्लांट है लकड़ी का प्लांट है ये मतलब वुडी प्लांट इसको बोलते हैं इसमें पत्ते जैसे इसका बाँस वगैरह बनता है बम्बू तंबू में जब लगता है ना गांव वगैरह में फिर घर घर जब बनता है तो ये सांचे की तरह इसको लकड़ी इसको रस्सी से बांध के सब बनाते हैं अब देखे होंगे पंडाल वगैरह में तो ये इसका यूज होता है तो ये सबसे जल्दी बढ़ता है दुनिया का सबसे जल्दी बढ़ने वाला प्लांट है ये तो देखिए चुनन कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है वेयर इज़ एटी फाइव परसेंट ऑफ प्लांट लाइफ सीन एटी फाइव परसेंट ऑफ प्लांट लाइफ ओशन में दिखता है विच प्लांट मूव्स कौन सा प्लांट मूवता है हिलता है ये है स्ट्री स्टेनोरेस एडिका माइग्रेट्स अलॉन्ग द डेजर्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये एक जगह से दूसरी जगह रेगिस्तान में घूमता है विच प्लांट प्रटेंस टू ब कौन सा प्लांट लगता है ना देखने में लगता है कि जैसे पत्थर है वो है लिथोप्स विच ट्री रिलीज गैस एज हवी ओरस कम्स रेट कौन सा ऐसा प्लांट है जो हव जो गैस छोड़ता है जब हर्वी ओरस जानवरों के पास आते खाने के लिए क्या है अफ्रीका कैसिया विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ओडी प्लांट कौन सा है बैम्बू तो अब देखिए चलो अब हम लोग मशरूम्स के बारे में पढ़ेंगे मशरूम्स आर अ काइंड ऑफ फंगस दैट यूजुअली लुक लाइक अम्ब्रेलाज एंड ग्रो इन प्लेस लाइक यार्ड्स फॉरेस्ट फील्ड्स एंड गार्डन्स मशरूम आपको पता है इसको हिंदी में कुकुरता भी बोलते हैं मशरूम की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है ये कहाँ कहाँ उगते हैं ये जंगल में खेत में और बगीचे में भी उगते हैं कुछ कुछ हम लोग मशरूम्स खा सकते हैं कुछ कुछ मशरूम्स बहुत जहरीले होते हैं तो देखिए जो खा सकते हैं वो यहाँ दिया हुआ है मशरूम्स दैट कैन बी ईट ऑयस्टर रसल ट्रफल मिल्क मशरूम हनी एग्रिक वुड एरा वु सेंट्रेला ग्रीजर्स किंग ऑयस्टर, मॉडल ये सब हम लोग खा सकते हैं मशरूम्स और जो पॉइजनस मशरूम्स हैं वो क्या है ये क्या है बोल्टस लैक्ट्रियस पेक्लस डेथ कैप अमेंटिया ये सब ये है सब जहरीला मशरूम्स है इसको नहीं खा सकते तो अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछा गया लिस्ट द पॉइजनस मशरूम्स यू नो तो देखिए यहाँ पर पॉइजनस जो मशरूम्स है इसमें से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं लिस्ट द एडिबल मशरूम्स यू नो देखिए ऊपर में दिया हुआ है इसमें से जो खाने वाली मशरूम्स है इसका कोई आप नाम याद कर लीजिए ये बताइएगा वाई शुड बी नॉट ईट मशरूम्स फाउंड इन द वर्ल्ड क्यों हम लोग को जंगल में जो मिलता है वो नहीं खाना चाहिए जंगली जो होता है मशरूम्स क्योंकि वो खा वो जहरीला होता है उसमें जहर होता है वो हम लोग को नुकसान कर पहुँचा सकता है इसलिए मना किया जाता है कि वो नहीं खा सकते हम लोग हैव यू सीन मशरूम बींग सोल्ड इन शॉप्स क्या आपने कभी बिकता हुआ मशरूम्स देखा है कोई दुकान में कभी बेचता है अगर हाँ तो यस अगर नो तो नो तो चिल्ड्रेन आप एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लीजिएगा पेज नंबर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर अपने आप करिएगा ओके